इंशा बारबी बारबी में ट्रांसफॉर्म करेगी खुद। गाइज ये बारबी वाला लुक तो मेरा कंप्लीट है बट ओके सो ये वाले बैग में मैंने सारे जो है मेकअप्स रखे हैं अपने जो जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ गांव लाइक विलेज। सीन कुछ ऐसा है कि वो जो व्लॉग मैंने विलेज वाला आप लोग के साथ शेयर किया था तो उस पर सेकेंड पार्ट भी चाहिए और इंस्टा पे भी मुझे बहुत सारे DMs आ रहे हैं कि उसका मुझे सेकेंड पार्ट चाहिए उस व्लॉग का। सो या मैं इस व्लॉग का सेकेंड पार्ट भी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सीन कुछ ये है कि मैं जो है अपने को थोड़ा मोड़ा लाइक ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ बारबी में। इंशा बारबी बारबी में ट्रांसफॉर्म करेगी खुद को। वाओ ओके सो उसके लिए मैं आज इंस्टा पे ट्रांसफॉर्मेशन रील्स भी बनाऊंगी। सो आप मुझे इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं कर रहे तो वहाँ भी जल्दी मुझे फॉलो कर लो गाइज, वहाँ पे अच्छे अच्छे मेरे रील्स मिलेंगे। ओके सो लेट्स डू दिस और जल्दी चलिए हम लोग मेकअप करते हैं। एंड मुझे मैंने अभी तक आउटफिट भी नहीं निकाला है कि मैंने कौन सा कपड़ा मुझे उसमें पहनना है या तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को आज काम है। सो जल्दी जल्दी मेकअप्स मैंने सारे निकाल लिए हैं और बस ड्रेस निकाल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और मैंने अभी तक ड्रेस नहीं निकाला है। मुझे ड्रेस निकालने नीचे जाना होगा, मैं ऊपर रूम में हूँ और बारिश भी आप देखिए लाइक बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब सीन कुछ ऐसा है कि बस मुझे अभी ड्रेस निकालना है जाके मुझे कौन सा ड्रेस पहनना है। बहुत टेंशन है बाबा, बहुत टेंशन के जब तक मैं अपना ड्रेस ढूंढूंगी तब तक मैं फ़ोन अपना चार्जिंग पे लगा दूंगी। बाय द वे मेरी मेहंदी मैंने कुछ लगाई थी कुछ अलग और मुझे ये अजीब सी लग रही है, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है बट ये आई डोंट लाइक दिस। मैंने ही लगाया बट मुझे ये पसंद नहीं आया। चलते ट्राउज़र के लिए मैंने ये वाला ट्राउज़र चूज़ किया है, ये कुछ कुछ रिलेटेड है लाइक बारबी के लिए। एंड फॉर हिजाब मैंने ये वाला दुपट्टा आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, ये वाला दुपट्टा थोड़ा सा ट्रेडिशनल है बट मैं इसे अच्छे से कर लूँगी, एडजस्ट हम कर लेंगे। अब बचा ऊपर का टॉप तो उसे उसका भी इंतज़ाम हम जल्द कर लेंगे। मैंने एक ये स्ट्रिप वाली फ्रॉक चूज़ की है, इसके अंदर मैं फुल स्लीव्स कुछ पहनूंगी। सब हो गया अब चलो जल्दी जल्दी मेकअप करते हैं। हाँ जी तो यहाँ से मैं स्टार्ट लाइक मैं रेडी होने लग गई हूँ एंड यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने आई शेडो से और पीछे सादब भी कभी कभी दिख रही है। ओ तुम क्या कर सकते हैं भाई साहब। ओके ब्लेंडिंग 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 एंड इसमें पता नहीं मैं क्या ड्रामे कर रही हूँ एंड देन फिर से एक डार्क शेड ले रही हूँ। गाइस थोड़ा सा अजीब सा फेस बन ही जाता है मेकअप में, ये टेढ़े मेढ़े फेस बनते ही हैं ठीक है, इसे मजाक ना उड़ाए मेरा। ओके 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 हाँ जी तो मैं कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं दे रही हूँ, बस दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है इस लुक के लिए। एंड अब बनाना है हमें कट क्रीज। सो ये एक टेक्निक है, ये देखो बस अपने लिड्स पे लगाना है, इसे ब्लिंक करना है जहाँ तक आपकी क्रीज लाइन होगी वहाँ पे वहाँ तक ये लग जाएगा। एंड पता नहीं मैं यहाँ क्या पागलपंती कर रही हूँ, फिर से नो एंड फिर से मेरा कट क्रीज हो रहा है सेट। ओके 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 जी एंड देन मैं ग्लिटर लगा रही हूँ उसके ऊपर, पता नहीं क्यों मैं बहुत ही कोशिश कर रही हूँ ग्लिटर दिखाने की बट मैं नाकाम रही। एंड वाओ मेरा लाइनर लग गया एंड देन मेरा बेस मैं लगा रही हूँ। ओके मैं कंसीलर से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके माय फाउंडेशन, मैं भी फाउंडेशन लगा रही हूँ। अगेन मैं कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल नहीं दे रही हूँ हैं। अब मैं लगा रही हूँ ब्लश, ब्लश मैं और थोपूंगी क्यों, क्योंकि मैं बारबी में ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ, बारबी का आई थिंक ज़्यादा ब्लश अच्छा लगेगा।
एंड फिर नीचे मैं थिक फेक लैशेस लाइनर से बना रही हूँ एंड देन आई अप्लाई वाइट काजल. जिससे कि आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिखेगी. ओके 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 एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर. और लगाओ और लगाओ और लगाओ. एंड लिपस्टिक के लिए मैंने दो लिपस्टिक यूज़ किया है. फर्स्ट मैंने पहले न्यूड लिपस्टिक अप्लाई किया है. देन मैं अप्लाई करूँगी एक डार्क पिंक लिपस्टिक. बाय द वे ये ADS की लिपस्टिक्स है. एंड फिर वो न्यूड वाला लेके एक ओम्ब्रे सा लुक दूंगी, लाइक ओम्ब्रे सा इफेक्ट. गाइस ये बारबी वाला लुक तो मेरा कंप्लीट है, बट मुझे अभी बस अपना ड्रेस चेंज करना है एंड देन मैं आप लोग से मिलती हूँ. ओके सो दिस इज माय आउटफिट एंड दिस इज माय लुक. सो गाइज अभी लाइटनिंग प्रॉब्लम हो गई है कॉज यहाँ पे बारिश हो रही है और उतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं है और मैं यहाँ पे अपना रिंग लाइट भी लेके नहीं आई हूँ. सो थोड़ा सा ये इशू हो गया है एंड हम थोड़ा फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं क्योंकि वो भी ज़रूरी है. इतनी मेहनत जो की है मैंने इस लुक के लिए. गाइज मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया शाम ही में. खैर अभी तो रात का टाइम, लाइक रात हो ही गई है, 7:10 PM अभी हो रहा है. एंड किचन में हो रही है डिनर की तैयारी और आज बन रहा है बिरयानी, माय फेवरेट. ओके तो मिलती हूँ मैं आपको डिनर में. ओके चले जी मेरे साथ डिनर कर ली है. और ये मेरा सुबह का हालत है, लाइक सुबह मेरा कुछ भी बोलने का मूड नहीं रहता और पता नहीं मैं क्यों कैमरा खोल के बैठ गई. एंड ये मैं क्या कर रही हूँ. एंड माशाल्लाह माशाल्लाह शाम में बहुत अच्छा वेदर हुआ था, इतना खूबसूरत, पूरा मतलब लाइक ऑरेंज पूरा क्लाउड्स दिख रहे थे, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह दिख रहा था. एंड आप देख सकते हैं मैं हूँ. ओके तो मैं अब डिनर कर रही हूँ दूसरा दिन एंड यहाँ पे हम बातें भी कर रहे हैं. अरे सच में क्या, हाँ और बताओ, ये सब बातें हो रही थी ठीक है. और मैं कभी कभी कैमरा पे भी देख रही हूँ कॉज मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. ओके और पता नहीं मैं कब तक खाऊंगी बुक्कड़. खा लो बस, होकर बस करो. बट सरप्राइज फ्रॉम एंड माय ब्रदर साइड आल्सो, लाइक रुक्षा प्योर सदफ और रियान ने मुझे एक सरप्राइज दिया है. सो लेट मी शो यू. ये केक इन्होंने मेरे लिए लेके आया है, बट इस पे जो बारबी लिखा हुआ है वो उन्होंने जेल से लिख दिया था, प्लस बारबी का स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिख दिया था, बीर भी लिख दिया था. बट इट्स ओके एंड चलिए अब हम केक खाते हैं. अच्छा जी तो नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसा कि एज़ यू नो कि मेरा सुबह बोलने का बिल्कुल भी मूड नहीं रहता एंड मुझे ब्लॉग का एंडिंग भी करना था, डेट्स वाई मैं कैमरा खोल के बैठ गई. और यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ. आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. अगर आप लोग और भी ब्लॉग चाहिए तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी. आज के लिए बस इतना ही और यहाँ मैं फिर से खाने लग गई हूँ यार. ओके गाइज अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखना. आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय.